नमो नमः सभी के लिए नमस्कार। संस्कृत विषय की पिछली कक्षाओं में हमने श्लोक क्रमांक 1 और 2 को समझा। आज की कक्षा में हम श्लोक क्रमांक 3 से प्रारंभ करते हैं। चलिए तो सर्वप्रथम श्लोक सीखने के लिए एक एक शब्द को अलग अलग सुनते हैं। दाने तपसी शौर्य, शौर्य ध्यान रखना है, शा उच्चारण करना है, शौर्य च। विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नहीं, यहाँ पर ध्यान दें हा में छोटे ई की मात्रा है, नहीं। कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। चलिए अब श्लोक का गायन सीखते हैं, ध्यान से सुने। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। आप सभी विद्यार्थी 2-3 बार यह श्लोक सुनेंगे तब आपसे यह बहुत अच्छे से गाकर बनने लगेगा, और आप सभी को यह श्लोक हैंड इन करके मुझे भेजना है। अब देखते हैं शब्दार्थ। दाने अर्थात दान में डोनेशन जो हम देते हैं, तपसी अर्थात तपस्या में, शौर्य शौर्य मतलब पराक्रम में शक्ति, च और विज्ञाने अर्थात विशेष ज्ञान में स्पेशल नॉलेज जो होता है, विनये अर्थात विनम्रता में, नये अर्थात नीति में, विस्मयः न आश्चर्य नहीं, ही अर्थात निश्चय से, कर्तव्यः करना चाहिए, बहुरत्ना बहुत रत्नों वाली, वसुंधरा अर्थात पृथ्वी। अब इसका सामान्य अर्थ समझते हैं। दान तपस्या बल पराक्रम विशेष ज्ञान विनयशीलता और नीति में किसी को बहुत अधिक अच्छा देखकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह धरती बहुत अधिक रत्नों वाली अर्थात गुणवान लोगों वाली है। दान तपस्या बल पराक्रम विशेष ज्ञान विनयशीलता और नीति, इन सभी में किसी को बहुत अधिक अच्छा देखकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह धरती बहुत अधिक रत्नों वाली अर्थात गुणवान लोगों वाली है। ये तो सामान्य से बात हुई, अब थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। इस धरती पर एक से बढ़कर एक दानी तपस्वी ज्ञानी नीतिवान लोग हमें मिल जाते हैं। उन सबको देखकर आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं होती, क्योंकि यह धरती अनेक रत्नों से भरी पड़ी है। अब यहां रत्न का मतलब ये होता है गुणवान लोग, अर्थात यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक दान दे रहा है, बहुत कठोर तपस्या कर रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को देखकर आश्चर्य नहीं करें, क्योंकि इस पृथ्वी पर इनके अलावा इनसे भी अधिक कठिन तपस्या, इनसे भी अधिक दान करने वाले, इनसे भी अधिक स्पेशल नॉलेज वाले लोग मिल जाएंगे। एक और बात समझते हैं, यदि हम भी स्वयं बहुत बड़े दानी हैं, हम बहुत ज़्यादा, जैसे इसमें शब्द आया था विनय अर्थात विनयशील, जैसे आप अपने शिक्षकों की विनय करते हैं, उनके साथ नम्रता के साथ बर्ताव करते हैं, माता पिता की बात मानते हैं, या फिर आपके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है, बलवान है, आप बहुत पराक्रमी हैं, तो यदि हमारे अंदर भी ये गुण हैं तो फिर हमारे लिए इन सभी गुणों पर कभी भी अभिमान अहंकार
घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमसे भी अधिक गुण वाले लोग इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, जीवित हैं, और वे सभी अपने अपने क्षेत्र में अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। तब हम क्या समझें? अर्थात हमें यह समझना है, हमारे अंदर यदि कोई गुड क्वालिटीज हैं, हमारे अंदर यदि अच्छे गुण हैं, तो हमारे लिए इन सभी बातों का, इन सभी गुणों का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमसे भी श्रेष्ठ लोग इस संसार में हैं। इस प्रकार से यह विशेष अर्थ हमने जाना। अब आप सभी लोग आज के पाठ को बहुत अच्छे से समझें, श्लोक याद करें तथा गृह कार्य के रूप में यह श्लोक सुंदर मधुर आवाज में लयबद्ध तरीके से गाकर हैंड इन करके भेजें। धन्यवाद। नमस्कार।